अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां बीच सड़क पर एक लड़की ने पुलिस के साथ किया बवाल। किसान मेले में आया एक ऐसा भैंसा जिसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए। रोज खाता है 30 किलो हरा चारा और एक ऐसा गांव जहां फ्री में बांटा जाता है दूध, दही और छाछ, बेचने पर होता बड़ा नुकसान। शुरुआत करते हैं भागलपुर से आई हैरान कर देने वाली खबर के साथ। अक्सर पुलिस को देखते ही लोग साइड हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के सामने जब एक लड़की अड़ गई तो माहौल ही बदल गया। पुलिस वालों पर चिल्लाती लड़की का ये वीडियो बिहार के भागलपुर से आया है। दरअसल त्योहार को लेकर बाजार सजा हुआ है, इसको लेकर शहर के कई इलाकों में जाम की समस्या बनी है। ऐसे में आने वाले यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए शहर में लगातार अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। इस दौरान वैरायटी चौक पर जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो नगर निगम के कर्मचारियों से इस लड़की की नोकझोंक हो गई। इस हाई वोल्टेज ड्रामा में लड़की निकिता का आरोप था कि वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने आई थी, उसके पिता की यही दिए की दुकान है। निगम के अधिकारी ने लात मारकर दुकान गिरा दी। युवती ने कहा कि वो कह भी सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गई और युवती और उसकी मां को थाने चलने के लिए कहा। ये गुस्साई युवती पुलिस से भिड़ गई और कहा कि कोई बदतमीजी नहीं चलेगी, हम लोग चोर नहीं हैं। हालांकि बाद में युवती को समझा बुझा कर छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस के साथ युवती का ये अवतार देखकर हर कोई हैरान है और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। दूसरी अनोखी खबर मेरठ से है, जहां किसान मेले के पहले दिन 10 करोड़ का भैंसा गोलू 2 आकर्षण का केंद्र बना रहा। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले पद्मश्री सम्मानित किसान नरेंद्र सिंह मेले में अपने भैंसे गोलू 2 को लेकर पहुंचे। गोलू 2 को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। दरअसल इस भैंसे का नाम गोलू 2 इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके दादा का नाम गोलू 1 था। ये भैंसा मुर्रा प्रजाति का है और इसकी माँ हर दिन 26 किलो दूध देती है। गोलू 2 भैंसा का वजन 15 क्विंटल है यानी 1500 किलो और इसकी उम्र 4 साल 6 महीने की है। गोलू हर रोज 30 किलो सूखा हरा चारा, 7 किलो गेहूं चना और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर खाता है। गोलू 2 का रोज का खर्चा लगभग 1000 रुपए का है। गोलू 2 के सीमन से इसके मालिक को काफी आमदनी हो रही है। तीसरी अनोखी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां एक गांव ऐसा है जहां दूध दही नहीं बेचा जाता। गांव के लोग फ्री में दूध दही और छाछ देते हैं। मेहमानों को मुस्कुराते हुए ताजा दूध पिलाया जाता है। चूड़िया गाँव में हर घर में 5 से 10 मवेशी है। यहाँ हर रोज 1000 लीटर दूध निकलता है। गांव वाले बताते हैं कि सालों पहले यहां चिनध्या साधु बाबा नाम के एक संत आए थे। उन्होंने ग्रामीणों से दूध और दही का व्यापार करने से मना किया था, तभी से गांव वाले बाबा की आज्ञा मानते चले आ रहे हैं। चिनध्या साधु बाबा की 5वीं पीढ़ी के वंशज किशन महाराज ने बताया, गांव में कुछ लोगों ने दूध बेचने की कोशिश की थी मगर उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद से गांव के लोगों ने दूध दही बेचना बंद कर दिया। न्यूज़ तक ब्यूरो।